अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो। अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। होने वाले हैं बस होने वाले हैं। अरे यार कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है, शर्म नहीं आती? अरे क्या यार, ओ अरे हो जाए यार, एक और बंदा है बस। फक यस वी डिड इट पीपल, वी डिड इट यार। ये मैं फ्रंट कैमरा कैसे लाते हैं इसके अंदर, पहन पता नहीं। यस वी डिड इट। तो कैसे कैरी मिनाटी इस लेवल तक पहुंचा कि जहां पे उसके चैनल पे हर रोज के 1 से 1.5 मिलियन व्यूज तक आते हैं, और कैसे वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर बना विद मोर देन 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो व्हाट इज योर कैरेक्टर अबाउट, व्हाट इज हिज एम बेसिकली? ओके, माय कैरेक्टर इज, हिज नेम इज ऑगस्ट वॉकर एंड ही इज अ मेंबर ऑफ द CIA, बट ही इज द CIA, ही इज देयर नंबर वन गाय इफ यू नीड समवन डेड। If you absolutely need to be sure someone is dead, you call August Walker. जैसे ही उनका हाथ मेरे हाथ में गया ना, मेरे दिमाग में। I am from India. Excellent, man. And I'm a huge fan of yours. I'm a huge fan of yours. I've been watching your movies since I was. तो चलिए जानते हैं कि कैसे अजय नगर AKA कैरी मिनाटी ने इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाया। ऑल्दो कैरी मिनाटी ने कभी ये पब्लिकली एडमिट नहीं किया कि वो कितनी इनकम जनरेट करते हैं यूट्यूब से, बट अगर हम एक फेयरली कंजर्वेटिव नंबर भी लें तो वह अप्रोक्सीमेटली 50 लाख to 1 करोड़ रुपीज जो अर्निंग से यूट्यूब से ईयरली करते ही हैं। ये मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव नंबर ले रहा हूँ और इसमें मैं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी सबसे अलग हुआ इसीलिए। एंड ब्रो ये पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कह रहा है यार। बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, मैं रोज़ अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जीता हूँ। मेरे को जो करना है ना मैं वो करता हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स की तरफ से मैं 19 का स्टिल अ किड राइट, तो कोई प्रेशर ही नहीं। मैं जब चाहे वहाँ जा सकता हूँ, मैं अभी बुक कर लेता हूँ, मैं फ्लाइट बुक कर लेता हूँ मे बी आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, ठीक है जस्ट एग्जाम्पल, मैं नहीं जाऊँगा दुबई। मेरे को ये अमीर लोकेशन जिनकी पसंद नहीं आती, सही में ऑनेस्टली आई एम अ वेरी सिंपल गाय, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, चाहे मैं अकेला भी जा रहा हूँ तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। आई हैव माई फुल इंडिपेंडेंस और वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे एक 19-20 साल का लड़का इतने दूर पहुंच गया, मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। तो यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप रोस्टिंग का नाम लेते हो ना इंडिया में, तो जो सबसे पहला नाम आपके दिमाग पे आता है वो आता है कैरी मिनाटी का। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो पहला ऐसा व्यक्ति था इंडिया पे जिसने की रोस्टिंग का कल्चर स्टार्ट किया था, उससे पहले ऐसा किसी ने भी ट्राई नहीं किया था, और उसकी वजह से, उस फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज की वजह से आज उसका चैनल कहीं ना कहीं इतनी ग्रोथ पे है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो अभी से भी शुरू करते तो नहीं पहुंच सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहती, बट क्योंकि उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया, कुछ उनकी टाइमिंग भी राइट थी, तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का बहुत ज्यादा फायदा मिला।
अगर हम कैरी मिनाटी की सक्सेस के बारे में बात करें तो जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने की वो थी स्केयर सिटी को क्रिएट करना। जी हाँ, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा ये बोलते हुए कि आप जितनी वीडियोस हो सके उतनी वीडियोस को अपलोड करो, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, जब भी किसी चीज़ की स्केयर सिटी यानी कि कमी होती है तो हमें वो चीज़ और ज़्यादा चाहिए रहती है। तो कैरी मिनाटी से आई डोंट थिंक सो कि कोई और इसका अच्छे से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इवन बीबी की वाइंस, अर्ज बेनीवाल और दूसरे यूट्यूबर्स भी अभी इस चीज़ों पे बहुत फोकस करें और बहुत अच्छे से यूज़ करें इन चीज़ों का। वो है कि 2-3 महीने 4 महीने में एक बार वीडियो डाल के देखिए। अगर ये यूट्यूबर्स, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ, अगर ये यूट्यूबर्स हर दिन की हर वीक की वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दे तो शायद उनकी वीडियोज़ पे उतने व्यूज़ नहीं आएंगे, शायद उनकी वीडियोस को उतना लोग पसंद नहीं करेंगे। बट क्योंकि वीडियोस को आने में टाइम लगता है, 3-4 महीने का डिले रहता है, अगर आपको कोई 2 वीडियोस मिलेंगी ना तो आप मोस्टली उसी बंदे की वीडियो क्लिक करोगी जो रैंडमली पोस्ट नहीं करता, जो 1-2 महीने 3 महीने में एक बार पोस्ट करता है। तो इस चीज़ का कैरी मिनाटी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई दिस। अभी पीछे तक जो हमने स्टेप्स पढ़े और उन स्टेप्स को फॉलो करके सिर्फ आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते, आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी एंड पैशन। 2014 में मैं सीरियस हुआ थोड़ा यूट्यूब को लेके, तब मेरे को लगा यार हाँ यार ये काफ़ी सही चीज़ है, इसको करना चाहिए। एंड 24/7 मैं बस यही सोचता था यूट्यूब, रात को सो जाओ बस सपने आ रहे भाई यूट्यूब के, और किसी चीज़ के सपने नहीं आ रहे, बस 24 घंटे यूट्यूब ही है दादा। और फाइनली जब 2014 में मैंने इसे सीरियसली लिया तो मैंने कंसिस्टेंटली 2 साल तक लगातार रेगुलर, ऑलमोस्ट रेगुलर अपलोड किए, मतलब ओवर 150 वीडियोस मैंने 2 साल में अपलोड किए थे, जिसमें से जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं बस चलो भाई वीडियो बनाते हैं, और उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था बिल्कुल, मतलब मैक्स टू मैक्स 50 व्यूज थे और मेरे 150 को सब्सक्राइबर्स थे 2 साल के अंदर। फिर डिमोटिवेटिंग तो ऑब्वियसली था, लेकिन फिर एक तरह से एक फीलिंग आती है कि यार पता है नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो करते हैं क्या जा रहा है, शायद हो जाए। फिर 2 साल बाद फाइनली थोड़ा एक्सपोजर मिला, थोड़ी अटेंशन मिली, और जब मेरे एट द एंड गाइज आई ओनली वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग, तो कैरी मिनाटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज ही इज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर, और मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, और आपको भी होना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कुछ ट्राई करूँ डॉक्यूमेंट्रीज टाइप का बनाने का, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।